स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लोहरदगा स्टेज कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन के परिसर में लगभग 1 बजे पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू उपस्थित थे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। वह जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, जहां दर्जनों पीड़ितों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं को मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष रखा, जिसका ऑन स्पॉट निष्पादन मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, राशन कार्ड इत्यादि बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के नागरिक फरियाद करने आए थे, जिसका मंत्री ने एक एक करके आवेदनों को पढ़ा और संबंधित विभागीय पदाधिकारी को दूरभाष पर निर्देश देते हुए कड़े शब्दों में कहा कि समस्याओं का निदान प्राथमिकता पर करें। हम समस्या सुनने आए हैं, उसका समाधान ऑन स्पॉट होना भी जरूरी है। इसमें केताही किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री जन समूह से कहा कि अपनी समस्याओं को बेझिझक हमारे पास लाएं, यदि समस्या समाधान होने लायक है तो उसका हम त्वरित समाधान करेंगे, तो उसको जांच करेंगे, बर्दाश्त भी कर लेंगे, और यदि जो लोगों ने किया है उस पर थोड़ा विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन जो लोग अभी दवाई का एक बड़ा नेक्सस चल रहा है और दवाई का एक नशा के काम में दवाई को लगाया जा रहा है, ये एक बड़ा घटना हो रही है। जो झारखंड भी है उसमें, उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, और भी उसमें कई एक राज्य हैं, तो इसकी हम लोग जो है उसकी जांच हम ईडी, एसीबी और आपको जो ड्रग कंट्रोलर भारत है उससे भी कराने पर विचार कर रहे हैं, और हम जो है विभाग से भी जो है कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम जब तक हम मंत्री हैं, हम ये दवा का जो नशीले पदार्थ में तब्दील करके ये जो बड़ा रैकेट चल रहा है, इसको किसी कीमत में अपने राज्य में नहीं चलने देंगे। और दवा के जो वेस्टेज की बात है, वेस्टेज भी जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, यदि वो किया है तो उस पर एज फॉर जो नॉर्म्स है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन दवा का नशा में उपयोग करना बेहद ही खतरनाक है। सर, देखिए, उन्होंने आरोप लगाया है, उसकी जांच होगी, जांच उपरांत यदि पाया जाएगा, मैंने ऐसे अभी फौरी तौर पे बुलाया है, लेकिन उसकी जो है जांच करवाई जाएगी। जांच के उपरांत जो है यदि पाया जाएगा कि इस बहन की बात में सत्यता है तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने से कहाँ हम पीछे हटते हैं, लेकिन कार्रवाई का मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि किसी ने आया, किसी के लिए कह दिया और किसी को काट दिया। कार्रवाई में, चूंकि हम इस लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में हम तो किसी भी चीज़ में न्याय और संविधान सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो यदि मान लीजिए कि उसने गलत किया है तो कार्रवाई होगी। भूमि से संबंधित है, कुछ पुलिस से संबंधित है, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित है, कुछ संबंधित है लोगों को, कुछ पेंशन वगैरह की भी कुछ समस्याएं हैं, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग समस्याएं हैं। उनके संबंध में करीबन 56-57 आवेदन आए हैं, जिसमें यथाउचित जो इमीडिएट निर्णय करना था, जिन अधिकारियों को बोला था, उन लोगों को हमने दूरभाष पे संवाद दिया है, और कुछ एक ऐसे मामले हैं जो नीतिगत मामले हैं। उस सारे मामले, जितने भी आवेदन हैं, मेरी एक अपनी आदत है कि जो भी आवेदन करता होता है, मैं कृत कार्रवाई से उनको भी अवगत कराता हूं और विभाग को भी अवगत कराता हूं। तो मैंने ये सारे आवेदन ले लिए हैं, अभी इस आवेदन को अध्ययन करने के उपरांत जो उसमें यथाउचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। और चूंकि ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी हुई सरकार है, इसलिए जनता की जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए उसी के मद्देनज़र हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के दिशा निर्देश पर हम लोग सभी मंत्री अलग अलग जिले में जाकर जन सुनवाई कर रहे हैं, ताकि जनता में ये विश्वास पैदा हो और जनता को ये विश्वास हो कि ये उनकी सरकार है और ये लोकतंत्र उनसे चलता है। तो इसी के मद्देनज़र मैं यहाँ, कल मैंने जमशेदपुर में जन सुनवाई किया था, आज लोहरदगा में कर रहा हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।